करनाल के रामलीला ग्राउंड में गांव रावर के रहने वाले सुल्तान नामक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मृतक सुल्तान के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग सुल्तान को घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उसकी किसी घातक हथियार से हत्या कर दी गई। बता दें कि सुल्तान नामक युवक का शव करनाल के रामलीला ग्राउंड में मिला है। परिजनों ने बताया कि सुल्तान की गांव के ही कुछ लोगों के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद शाम के समय गांव के ही कुछ युवक सुल्तान को घर से बुलाकर ले गए, जिसके बाद सुल्तान घर नहीं पहुंचा और उसकी हत्या कर दी गई। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। मृतक सुल्तान के भाई राजेश ने बताया कि गाँव के ही कुछ शरारती तत्व गाँव में शराब बेचने का कार्य करते हैं और उन्होंने ही शराब पीकर इस हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दोस्तों क्या मामला हुआ है, कौन से गांव का मामला, कौन था ये? रावर गांव का। अच्छा, ये सुल्तान था, ये पांच छह आदमियों ने इनके मारे है, सभी मारे, इसके आग फोड़ रखी है, सारे निशान है, गिट्टी पर रोकते लाग रहे हैं, बटन टूटे वहाँ उनके कमीज के, जिन्हें मारा है। तो क्या लगता है कैसे, मैं उसका भूखा लाती हूँ, क्यों आए, क्या पता जी, रंजिश थी जी उनकी बात पहले की। अच्छा, ये बबली का तबकी दे रखी थी, बबली का कारण वो मारेगा लड़का। अच्छा, बबली इसका भाई है। शराब पी के मार, शराब पी के चार पाँच दिन पहले धमकी दी थी इसको। अच्छा, तो उसने फिर पूछा कल दिन में रोड़ा हुआ इनका, दिन में मार पचाई हुए है, दिन के बाद फिर मतलब सामने वो घर आ गया, सामने घर से एक डेढ़ बजे उन्हें बना कर लेके, बारह बजे लेके एक डेढ़ बजे बाबू बतावा है। अच्छा, तो फिर उनके साथ चला गया, फिर परमात्मा जाना उन्हें बाहर जाकर खड़ा मारा, मारे को क्या चाहते हैं इंसाफ? हाँ जी, कानून कार्रवाई चाहिए। पुलिस को दे दी थी? पुलिस को दे दी, पुलिस आई थी? आई थी। क्या नाम आपका? आवाज़ है। थैंक यू। ये क्या मामला हुआ, कौन है, क्या लगता है आपका, कितने साल? अच्छा, क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? जानकारी मेरा पैर सुबह शाम रखा है उसको। कैसे हुआ है? मारा गया जी। कौन लोग हैं, क्या किस बात की? लट बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, शराब का उनका कारोबार है, दारू पी कर उसकी हत्या करी है। शराब पी के किस चीज, क्या क्या मारा उन्होंने? कितने लोग हो सकते हैं जो मारना? पाँच छः का काम है कम से कम। घर से बुला कर लेके गए? हाँ, घर से बुला कर लेके गए। क्या क्या कर लेके गए? बस उसकी जो हमारी बाइक की घरवाड़ी है ना, उसने बताया मेरे को, जिसको घर से ही बुला के ले गए थे वो लड़के। नटो कहाँ मिली उसकी डेट? मिली रामलीला ग्राउंड। कितनी उम्र बताई जा रही है? 37। नाम क्या है? सुल्तान। तो पुलिस को दे दी शिकायत थी, इसके को बता दिया? हाँ जी, पुलिस आई थी। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई थाने में जाएंगे। तो कुछ पता लगो किस वजह से मारा है, क्या वजह क्या थी? दिन में झगड़ा हुआ उनके साथ। अच्छा। रात को शराब पी के उसको बुलाया घर से, फिर उसको मारा, घर से बुला कर फिर शराब पिलाई, फिर उसके बाद मार के भाग गया। क्या नाम आपका? राजेश कुमार। आप क्या लगते हैं? ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक